एक झटके में उजड़ गया हंसता खेलता परिवार। बस ने छीन ली एक परिवार की खुशियां। गोवा से मुंबई जा रही माँ बेटे और बेटी की मौत हो गई। एक खबर जिसको सुनने के बाद मुंबई से गोवा तक हर कोई सहम गया। मुंबई आने के लिए गोवा से एक बस 25 लोगों को लेकर रवाना हो रही थी। बस में बैठे सभी यात्री आगे क्या होने वाला है ऐसे अनजान होकर सफर का आनंद ले रहे थे, और तभी अचानक रात को करीब 2 बजे कोल्हापुर पहुंचते और हाईवे पर बस पलट जाती है और हाईवे पर एकदम से भगदड़ मच जाती है। सभी यात्री अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर निकलने लगते हैं और हाईवे पर एक्सीडेंट को देख सभी अपनी गाड़ी रोककर मदद के लिए बस की ओर भागने लगते हैं। आनन फानन में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की कई गाड़ियां पहुंचती हैं। एम्बुलेंस में घायलों को लेकर रवाना हो जाती है और अस्पताल में 9 लोगों का इलाज जारी हो जाता है। हालांकि इसमें 3 लोगों की जान चली जाती है। यहां मुंबई में बच्चों से मिलने के लिए पिता बस का इंतजार कर रहा था। सुबह उठते ही पिता को ट्रेवल एजेंसी से फोन आता है कि बस का आधी रात को एक्सीडेंट हो गया। खबर को सुन पिता की टेंशन बढ़ जाती है और तभी कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है और पुलिस का फोन देख परिवार की टेंशन बढ़ने लगती है। फोन पर जैसे ही खबर मिलती है कि आपका 13 साल का लड़का और 17 साल की बेटी पत्नी इस दुनिया में नहीं रहे, पूरे परिवार में सन्नाटा पसर जाता है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर सुन हर कोई हक्का बक्का हो जाता है। ये घटना कैसे हुई इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है, और ये घटना ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है। आधी रात को महाराष्ट्र के हाईवे बस की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे बहुत से घटना आती है जहां कभी बस ड्राइवर नशे में धुत होकर गाड़ी चलाता है तो कभी अपना संतुलन खो जाने पर और बस अधिक स्पीड होने के कारण बस पलट जाती है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।